एक मरतबा हजरत अम्र इब्ने आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी फौज का सिपह सालार बना करके भेजा। तो फौज का सिपह सालार जब बनाया तो अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया कि अम्र मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस जंग में जाओ। और अल्लाह के नबी ने फरमाया युग़नीमुकल्लाहु व युसल्लिमुक, अम्र इस जंग में अल्लाह ताला आपको खूब माल गनीमत भी देगा और अल्लाह ताला आपको सलामत भी रखेगा। तो हजरत अम्र ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कोई माल के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया है। अल्लाह के नबी फरमाया अरगबु लका फिल माल रगबतन सालिहा, मेरी ये चाहत है कि तुमको खूब सारा माल मिले। तो हजरत अम्र ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने माल के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया, इन्नमा अस्लमतु रगबतन फिल इस्लाम, मैंने इस्लाम कबूल किया क्योंकि मुझे इस्लाम पसंद था, मैं माल के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया। तो अल्लाह ने फरमाया निअम्मा बिल माल सालिह लिरजुल सालिह, ए अम्र सालिह आदमी का माल भी कितना सालिह होता है। अल्लाह के नबी ने माल को सालिह कहा, कहा अम्र सालिह आदमी का माल भी सालिह होता है। माल को सालिह कहा अल्लाह के नबी ने, सालिह का मतलब होता है नेक, माल को नेक अल्लाह के नबी ने। अलग ने फरमाया माल जब किसी नेक आदमी के हाथ में आता है ना तो वो नेक आदमी अपने माल को भी नेक बना देता है। भाई कितनी प्यारी बात है, यानी जो नेक आदमी होता है ना उसकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, उसकी नेकी का जो कुव्वत होती है वो इतनी जबरदस्त होती है कि उसकी नेकी की कुव्वत के असर से उसके इर्द गिर्द रहने वाली चीजें भी नेक हो जाती है। जैसे उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग नेक होते हैं ना, नेक आदमी की सोहबत में आने वाला दोस्त उसका नेक हो जाता है, उसकी औलाद नेक हो जाती है, उसकी बीवी नेक हो जाती है। तो जो जानदार चीजें हैं, आखिर चीजें हैं, वो तो नेक होती हैं। नेक आदमी अपनी नेकी के असर से बेजान चीजों को भी नेक बना देता है। कितनी प्यारी बात है, माल कोई बेजान चीज है, माल कोई जानदार चीज नहीं है, माल कोई आखिर चीज नहीं है, पर नेक आदमी की कुव्वत उसकी नेकी की इतनी जबरदस्त होती है ना कि वो उस बेजान चीज को भी ना नेक और दीनदार बना देता है, सालेह बना देता है।